तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं जो यहाँ पे एटम्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। देखिए ये ट्रिक क्या काम करेगा, इसमें आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, वन, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं ऑक्सीजन को। इसमें भी सेम, ये +1 और ये -1। अब देखिए सल्फर, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से हमने देखनी है। सल्फर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया माइनस। तो इसमें भी अगर हम देखें, ये वाला माइनस हाइड्रोजन की वजह से, और जब यहाँ पे माइनस आएगा ये इस सल्फर की वजह से। तो यही केस इधर होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे -1 इस बॉन्ड की वजह से, यहाँ पे -1, तो इसमें भी ये -1 और ये -1। अब सल्फर देखिए कौन कौन से एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सल्फर इसको जब इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के थ्रू देगा, ये ट्रिक है, तो इसके ऊपर +1 आएगा इस ऑक्सीजन की वजह से। इस ऑक्सीजन की वजह से ये +1 आ गया, और ये वाले ऑक्सीजन की वजह से ये +1 इस बॉन्ड के थ्रू, ये +1 इस बॉन्ड के थ्रू। तो ऊपर देखिए यहाँ पे +1 इस बॉन्ड के थ्रू और ये +1 इस बॉन्ड के थ्रू, इस सल्फर के ऊपर। तो अगर हम देखें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। और बाकी हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे +1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन में -2, -2, -2 और -2 है। तो आपने इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के विद रिस्पेक्ट।